ऋषि गौतम इसी कुंड में आकर नित्य दिन स्नान किया करते थे। हालांकि उस समय नदी बहती थी जिसका नाम छिरोई नदी हुआ करता था। छिरोई का अर्थ यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो दूध होती है। मिथिलांचल में दूध की नदियाँ बहती थी। यही वो धरती है जहाँ पे रामचंद्र जी खुद आते हैं और कईयों को तार देते हैं। यहाँ के स्थानीय पुजारी से हम बात करेंगे कि यहाँ की खासियत क्या है। गौतम कुंड का ये तपस्या स्थली है, अहिल्या स्थान का निवास स्थान है। प्रत्येक दिन प्रातः वेला में वो अहिल्या स्थान से यहाँ आते थे, गौतम कुंड में स्नान करते थे। पूरी दिन तपस्या करने के बाद पूरा फिर आश्रम में चले जाते हैं। यही विशेषता है और ये सृष्टि का आधार जो है तप है। गौतम ऋषि यहाँ तप किए हैं, 80,000 ब्रह्म ऋषि को निर्माण किए हैं अपने तप के बदौलत। गौतम कुंड के नाम से विख्यात है, गौतम कुंड के नाम से हम लोग जानते हैं और इसी श्रद्धा से हम यहाँ आकर के गौतम ऋषि और राम दरबार को दर्शन करते हैं। न्याय सूत्र के प्रणेता महर्षि गौतम की ये भूमि है, यहाँ पर ये तप किया करते हैं। और ये जो आप स्थान देख रहे हैं इतना सुंदर जो यहाँ पर विकास देख रहे हैं, ये स्थानीय लोगों का अपना जो एक सामूहिक है भाव के हम संस्थान का विकास करें उसका ये परिणाम है। कितना देख रहे हैं स्थानीय जन सहयोग से इसका निर्माण किया गया। 2014 ईस्वी में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सामने जो देख रहे हैं वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया था, उनका अहिल्या स्थान का कार्यक्रम था। यहाँ उन्हें आना नहीं था लेकिन उनकी नज़र जब इस स्थान पर पड़ी तो उनके पाँव खिसक गए। उन्होंने कहा कि ये क्या बन रहा है, वो बरवस इधर खींचे चले आए। यहाँ चूंकि ये तपोभूमि है खींच के चले आए, उनको आना पड़ा। यहाँ लाकर लोगों से पूछे कि भाई ये क्या है, तो बताया गया उनको कि महर्षि गौतम की ये तपोभूमि है, यहाँ वो स्नान करने आया करते थे। कि कहीं मंदिर का निर्माण इतना भव्य इतना सुंदर इस निर्जन वन में, तो जन सहयोग से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस बार यहाँ घोषणा किया कि इस स्थान का भी मैं विकास करूँगा। और पहली बार मुख्यमंत्री जी के सहयोग से यहाँ इस स्थान के चहुमुखी विकास के लिए 1 करोड़ या उससे कुछ अधिक की ही राशि इस स्थान को प्राप्त हुआ। जो आप ये चारों तरफ सौंदर्यीकरण देख रहे हैं, ये इमारत जो है जन सहयोग से बना। दरभंगा में ऐसे कई सारे राज हैं जो कि देखने लायक है, जो मतलब पुरातन सदियों पुरानी कथाओं को व्यतीत करता है। उसमें से ही एक यह दरभंगा जिले के चाले हैं, जहाँ पे कई ऐसी तरह की राज हैं जो मुख्यतः समझिए तो रामायण से जुड़ी हुई बातें यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलती है। अभिनव कुमार, न्यूज 18, दरभंगा।